उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद। एवन टीवी चैनल के पत्रकार पर किया जानलेवा हमला। शराब माफिया बाल गोविंद ने पत्रकार पर यह हमला किया। घात लगाकर लोहे के सरिये से यह हमला किया गया। आपको बता दें कि शिवरामपुर चौकी स्थित लाइना बाबा रोड की पूरी घटना है और इसकी शिकायत के बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। जी हाँ, बल्कि पुलिस ने पत्रकार के खिलाफ ही उल्टा मामला दर्ज कर दिया। इसी के साथ पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठने लगे हैं कि शराब माफियाओं को क्या बचाने में जुटी है पुलिस, और पुलिस की ओर से पत्रकार को लगातार परेशान भी किया जा रहा है। चित्रकूट पुलिस अधीक्षक की कार्यशैली पर ये सवाल उठे हैं। जिले के पत्रकार संगठन आए पीड़ित के समर्थन में और एवन टीवी यूपी प्रभारी अमरीश सिंह ने इसकी शिकायत की है। जिलाधिकारी शेषमणि पांडेय से इसकी शिकायत की गई और जिलाधिकारी ने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि पत्रकार ने कई बार अवैध शराब को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। हमारे यहाँ के A1 टीवी के रिपोर्टर हैं कृष्ण कुमार मिश्रा, उनके ऊपर शराब दुकानदार हैं शिवरामपुर के, उन लोगों ने खबर चलाने से नाराज होकर हमला किया था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई करबी कोतवाली में और उनका मेडिकल भी हुआ है। और हम मांग करते हैं कि जो हमलावर हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाए, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। मामला यह था, मैं कवरेज करके वापस घर आ रहा था तो एक दारू ठेके ओके करता है, माफिया है वो, उसकी मैंने बहुत पहले न्यूज चलाई थी। उसने जा करके चार पांच लोग मिल करके मेरी बाइक के सामने गाड़ी लगा दी चार पहिया, जिसमें बाल गोविंद त्रिपाठी था, उसका लड़का विकास और अन्य लोग साथ में थे, और सरियों से और लठ से मारना शुरू कर दिया। क्या दुश्मनी किया? दुश्मनी बस यही कवरेज किया था, उनकी न्यूज चलाई थी, ये लोग चित्रकूट में दारू ले लेकर के धर्म नगरी में करते हैं, तो उनकी मैंने न्यूज चलाई थी, बस वही थी और कुछ नहीं था। जब पत्रकार के द्वारा पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने के लिए वो पहुंचे तो पुलिस ने उनका मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। तो सवालों के घेरे में अब जो कार्यशैली है पुलिस प्रशासन की वो भी आ चुकी है कि क्या शराब माफियाओं को बचाने का प्रयास कर रहा है पुलिस प्रशासन। शिवरामपुर चौकी स्थित लाइना बाबा रोड की पूरी घटना और शिकायत के बाद भी पुलिस ने जो मुकदमा है वो दर्ज नहीं किया। एवन टीवी चैनल के पत्रकार पर यहां पर जानलेवा हमला किया गया और शराब माफियाओं के जो हौसले हैं वो लगातार इतने बुलंद हैं, जो कि पुलिस की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता चित्रकूट से विष्णु कुमार शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, शराब माफियाओं के जो इतने हौसले बुलंद हैं और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल यहां पर साफ तौर पर उठाए जा सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद जब पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? तो उसकी मैंने मेन नजर खबर लगाई थी और माफिया है, शराब के माफिया है जी, तो उन्होंने दो तीन दिन से मेरे पीछे लगे हुए थे और मैं बाइक से जा रहा था और उन्होंने चार पहिए गाड़ी में चार पांच लोग मिल करके मेरे ऊपर लठ से और लोहे की छड़ से मारना प्रारंभ कर दिया। जी जी जी। और इसके पश्चात मैं गया जाकर के चौकी में बताया, चौकी में बताने के बाद वो मेरे परिवार वाले मेरे पुत्र लेकर के वहाँ गए, फिर मैं जाकर के कोतवाली गया, कोतवाली जाने के बाद मेन मुझे अस्पताल ले गए डॉक्टरी कराने के लिए, और अभी आज के 3 दिन हो गए, अभी तक मेरे को FIR दर्ज नहीं हुई। जी जी जी। आप जब इसके बाद में इस घटना के बाद में पहुंचे पुलिस के द्वारा तो आपको क्या कहकर उन्होंने समझाने की कोशिश की, और इसके बाद में बीते 3 दिन आप बता रहे हैं कि 3 दिन बीत चुके हैं, तो क्या किसी तरीके का समझौते का बनाने का दबाव आप पर है फिलहाल? जी 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 जी, वही दबाव हो रहा है क्योंकि वो दमन है, उसका पूरा रिकॉर्ड भी है, मेरी जान चली जाए मैम, लेकिन मुझे न्याय मिलना चाहिए, मैं गरीबों की आवाज उठाने के लिए जी धूप में एक एक गरीबों की आवाज उठाने के लिए कवरेज करने के लिए जाता हूँ, सरकार की योजनाओं की भी आवाज उठाता हूँ, कितनी योजनाएं, और अगर ऐसी हमारे साथ हमला होगा और
प्रशासन भी सहयोग नहीं करेगा तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जी बिल्कुल, बहुत निंदनीय ये घटना है, हम भी इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। इस प्रकार से किसी भी पत्रकार पे इस प्रकार की घटना, जानलेवा जो आप पे हमला किया गया, ये बेहद निंदनीय है। यहाँ मैम हर बहुत लोगों के साथ हो रहा है यहाँ पे जिले में। जी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की अभी खामी नजर आ रही है कृष्ण, क्योंकि आपने जिस प्रकार से बताया पुलिस भी अभी मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं है, तो साठगांठ यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है इस प्रकार की माफियाओं और पुलिस के बीच में। जी मैम, ऐसा है कि चित्रकूट जिले में पत्रकारों के साथ आए दिन हमले हो रहे हैं। जी, अब वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि मुझसे पैसे मांग रहा था अपना बचाव करने के लिए। जी, अब उनको किसने ज्ञान दिया पता नहीं है। जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।